मैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित किए गए भारत के संविधान के प्रति अपनी गूढ़ी आस्था से निष्ठा बनाए रखूं ते कन्ने मैं ये भी प्रण लैना कि मिगी सोबे याद करदे कारज बार की मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा करने निभा बैठो सिर साहब बैठो एक्चुअल क्या है कि जब आदमी संघर्ष में होता है तो प्रक्रिया लंबी हो जाती है स्ट्रगल में, अदरवाइज तो कई लोग आज अनाउंस होते हैं सेकंड डे वो भी उठा लेते हैं, नाम उनका भी राजेंद्र शर्मा होता है, इनका राजेंद्र सिंह होता है, ये चलता है सिस्टम, ऐसा चलता है। और हम वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस, और सीधी बात है, हमारा मकसद है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है, दिस इज, और कोई क्वेश्चन नहीं है। कठुआ हमारा वैसे ही सफरर है और कई वर्षों से सफर रहा है, आज से नहीं, ये बड़ा पुराना सफर रहा है। मैंने भी कोशिश की थी कि इसकी सेवा के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन वो कोई कारण से नहीं हो पाए, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि लोगों ने, हमारे पार्षदों ने, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया करूंगा, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के उन्होंने महसूस किया कि हमें इस समय कठुआ की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा, तो उन्होंने बदलाव लाया। तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह बब्बी को और उसके सारे साथियों को जिन्होंने इस तरीके से सारा सहयोग किया, और हम कानून को भी, अदालत का भी शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारा पूरा इंसाफ किया, जस्टिस किया, और उस जस्टिस के जरिए आज राजेंद्र सिंह बब्बी ओथ ले चुके। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे राजेंद्र सिंह बब्बी को आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जितनी परिश्रम आपको करनी पड़ रही है आगे भी कर रही, और काम में इससे ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी आपको, कठुआ को अच्छे तरीके से मिनूटली देखना पड़ेगा, यू नो बेटर, दो टाइम पहले भी रह चुके हैं,
ही नो बेटर, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये अच्छा काम करेंगे और कठुआ की प्रोग्रेस होगी और चेंज होगी, तब्दीली होगी, कठुआ सुखी भी रहेगा। कठुआ वैसे ही बहुत सफर है, मैं जानता हूँ, कहीं भी चले जाओ आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इतना बढ़िया शहर है, छोटे से पैसे लगने से शानदार हो सकता है, और कोई पहाड़ नहीं, कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं, प्लेन इलाका है सारा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तरक्की करने में कोई अड़चन आ सकती है। और जो भी गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स हैं उनके लिए प्रयास करें, कोशिश करें, कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो मुझे भरोसा है इस बात का, और आप सारे सहयोग करते रहें, नुक्ताचीनी की तरफ मत जाएं। अभी 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 आपको ओथ नहीं ली थी तो कहीं कहना शुरू हो गए, देखो जी अभी इतने भी नए हो गए बने हुए, कूड़ा पड़ा है, बहुत गंद पड़ा है। भाई साहब ये समझ होनी चाहिए कि अभी ओथ ही नहीं है तो कूड़ा कौन उठाएगा, वो जब वो बंदा बना ही नहीं कुछ, अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, तो उसको ओथ ही नहीं हुई तो कैसे कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आज से ये कुर्सी पर बैठेंगे, अब सारे चलेंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे और आज से अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैं बड़ी बड़ी बहुमत के साथ जीते थे लेकिन तब भी कोर्ट फेस करना पड़ा, और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास होता रहा है, चाहे उधमपुर की कौंसल हो, कठुआ की कौंसल हो, क्या देखते हैं कि लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखे जब सुनाई ना हो तो इसलिए कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है। लोकतंत्र का काम है कि उन्होंने वोट डालने, उन्होंने डाले, आगे अड़चने बनी बनाई, तो ये इस बात के लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम नहीं परवाह करते। हाँ ये जरूर हुआ कि 2 महीना डिले हुआ कठुए की तरक्की, ये बड़ा नुकसान हुआ, ये नुकसान की बात है। और कोशिश करेंगे जो 2 महीने लेट हुए हैं इसको 24/7 काम किया जाए, 24/7 रात को भी घूमा जाए, हर चीज़ मन्यूट की जाए। तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात ही नहीं है, 21 वार्ड हैं, बढ़िया तरीके से हो सकता है, और इसका भी प्रयास करें। इतनी बड़ी कमेटी है हमारी और ये एक कॉरपोरेशन बनने के काबिल है, इसके बाढ़ भी बढ़ सकते हैं, इसकी आबादी भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए आने वाला समय मैं समझता हूँ मेयर का हो कठुआ में, इसके भी प्रयास किए जाएं, ये कोशिश की जाए, क्योंकि कठुआ से बड़े बड़े लोग यहाँ हमारे नेता हैं, सारे हैं, सबको ही हम कहना चाहेंगे कठुआ की प्रोग्रेस के लिए कुछ करिए और इसको आगे बढ़ाइए। दिस इज वेरी क्लियर। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, सभी लोकतंत्र खूबसूरत है, देखो कितना खूबसूरत है, सारे यहाँ बैठे आए हैं और तमाम पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, खूबसूरत है। पंकज डोगरा बैठा, देखो कितना बड़ा अजीज है, दूसरा बैठा है सर हमारे अजीज है, के जी और दसो तुम लोकतंत्र स्वाभिमान संगठन की आपकी ये जीत है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? आगे हमारी कठुआ की 6 सीट का सवाल है, 6 असेंबली की सीट्स, उसके लिए हमें कल का प्लान किया हुआ है। आज तो ये ओथ होगी, हमें प्लस हो गया, बढ़िया हो गया, अदरवाइज तो हमने ठानी थी कि जो भी है विल फाइट, और हम लोगों के पास जा रहे हैं, जाते रहे हैं, लोग जानते हैं हमें, हम जिस भी जगह पे जहाँ भी रहे हमारे लोग, तो अच्छा काम किया है, तो लोगों को अपना विश्वास और लोगों को वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए, वो कोशिश करेंगे, वी विल डू दैट, और लोकतंत्र मजबूत करेंगे हम सारे पूरा, और आप मीडिया ने जितना सहयोग मीडिया ने किया है इसको मजबूत करने में, मैं उनको थैंकफुल हूँ, कठुआ वालों का खास करके, मैंने देखा है। सर एक आखिरी सवाल है कि भाजपा का जहाँ पे कोई पार्षद जो नजर नहीं आया, जो अध्यक्ष थे पूर्व उन्हें भी आना चाहिए थे, एज प्रोटोकॉल अगर शब्द थी, तो उनका कोई नजर नहीं आ रहा, क्या देखते हैं, क्यों नहीं? कोई बात नहीं, ये होता है, कई बार गुस्सा होता है, कभी सड़न होती है, कभी जलन होती है, कभी कोई खुशी होती है, कभी गमी होती, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं आए, सुखी रहें, खुश रहें, और इस कठुआ को बनाने के लिए वो सहयोग करें, हम पूरा उनका सहयोग करेंगे। उनको कोई चीज़ चाहिए होगी, राजेंद्र सिंह बब्बी कभी भी उनको इनकार नहीं करेगा, क्यों, हम शहर को हम बांटना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू डिवाइड दैट कठुआ, हम इसको यूनाइट करना चाहते हैं, और कठुआ हमारी जान है। हम 5,000 साल से जो लोग हम 5,000 साल से यहाँ कठुआ के बैठे हुए लोग हैं, हम पांडवों के साथ आए थे अज्ञातवास में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसलिए हिस्टोरिकल लोग हैं, हमारी ज़मीन है, एक एक पोटे ज़मीन पे हमारे बुजुर्गों का खून पसीना है, हमें प्राउड है इस चीज़ का, और हमें सेवा का मौका मिले तो मैं समझता हूँ ज़मीन को और निखारने का मौका मिला, दिस इज वेरी 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 मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और कुछ है कोई? थैंक यू सर। कैमरा सेट कर दो, पूछ लग गया सेटर जी। राम गणेश बताएं, आज आपने शब्द लिया, 2 महीने 6 दिन से विकास रुका पड़ा था और अटकलें भी काफ़ी आई, क्या देखते हैं आगे, किस तरह की रणनीति रहेगी? जो 2 महीने 6 दिन की बात आप कर रहे हैं,
ये हम एक महीने में, जैसे चार महीने होते हैं ना, हम एक महीने में उतना काम करेंगे जो दो महीने छह दिन वाला है। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठे थे, कई सारी वार्ड थे, काम अदर में लटके हुए थे, लोगों की रिजेंटमेंट थी कि काम नहीं चल पा रहे हैं, तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ नया कठुआ के लोगों के लिए सौगात रहेगी, कुछ बड़ा? मेरे से जितना प्रयास होगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, दिन रात लगा के करूँगा। प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी वाली बात नहीं, कठुआ को हर चीज़ की ज़रूरत है, गली की ज़रूरत है, नाले की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये हर ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पहले काम करेंगे, जहाँ थोड़ी कम होगी वहाँ बाद में काम करेंगे। बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, उनको किस तरह से देखेंगे कि आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं, हम सारे पार्षद बैठ के हम उनको करेंगे, पूरा करेंगे। बड़े सारे पार्षद जो आपके समारोह में यहाँ पर नहीं पहुँचे, किस तरह से देखते हैं उनके साथ से, किस तरह से? वैसे तो मेरे साथ वो वोट डालने भी नहीं आए थे, फिर वोट किसको पड़े थे? ऐसी बातें मत करा करो। सर, वोट की आपने बात करी, एक सवाल था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 4 से 12 कैसे हुए। मुबारक है। अब क्या वो विकास के माध्यम से बताया जाएगा? जय डुगर, जय डोगरा, जय डुगर, जय डोगरा। मैं ये कहूँगा कि जिन पार्षदों ने मुझे वोट डाला है, मुझे कोई पता नहीं किसने डाला किसने नहीं डाला, लेकिन जिन्होंने डाला मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हो सकता कोई मेरे में कोई ऐसी चीज़ देखी हो उन्होंने, तो फिर इसलिए वोट डाला हो। सर, डबल बेंच और ट्रिपल बेंच की बातें थी, अब क्या रहा, क्या देखते हैं? चलो डबल ट्रिपल जो भी चले, मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे जो प्रेमनाथ डोगरा जी है, वो भी मेरा छोटा भाई है, वो अब हो गई हार जीत, बस अब मतलब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्यों हमने आपस में झगड़ना है? क्योंकि अगर हम सारे इकट्ठे रहेंगे तो काम ज़्यादा होगा, नहीं इकट्ठे रहेंगे तो काम कम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।